अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का फिर सबक पढ़ते हैं। आज हमने पढ़नी है तख्ती नंबर 13 अलिफ मद्दा के बयान में। अलिफ मद्दा का मैंने आपको बताया था कि सबक के बाद अगर अलिफ आ जाए तो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। और अलिफ मद्दा को कैसे पढ़ते हैं मैंने बताया था ना आपको, एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। चलिए तस्मिया पढ़ते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چلیں جی سٹارٹ کریے کاف زبر کا واو الف زبر وا کوا جی بولیے یہ الف کون سا ہے جی الف مدہ अलिफ से पहले वाले वर्ड के ऊपर जबर आ रहा है ना, तो जबर के बाद जो अलिफ होता है वो अलिफ मद्दा होता है। इसकी आवाज को लंबा करेंगे। कवा आइन से आई कवाई बा जबर बा कवाई बा फा जबर फा वाओ अलिफ जबर वा फवा जी। इस अलिफ का नाम बताइए, अलिफ मद्दा फवा किसी वर्ड को भी लंबा नहीं कर रही क्योंकि जबर जेर पेश को खींचते नहीं है। जी क्लास आपको पता चल गया होगा मैंने रॉ को ग्रीन क्यों किया है। जी इसको मोटा पढ़ते हैं इसलिए मैंने ग्रीन किया है। इजाजत मांगती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।